इंद्री में लोकसभा चुनावों के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री करणदेव कंबोज ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मंत्री करणदेव कंबोज ने कहा कि चुनाव की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कंबोज ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी संजय भाटिया 20 तारीख को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों में बीजेपी के प्रति भारी जोश बना हुआ है। वहीं मंत्री कंबोज ने कहा कि कई अन्य पार्टियों के नेता बीजेपी के संपर्क में हैं और शीघ्र ही उनकी पार्टी में शामिल किया जाएगा। उन्होंने जजपा और आप पार्टी गठबंधन को 0+0 बताया। आज हमने अपना विधानसभा का जो हमारा लोकसभा के प्रत्याशी हैं संजय भाटिया जी, उनका चुनाव ठीक प्रकार से लड़ने के लिए विधिवत रूप से योजना बनाने के लिए आज चुनाव कार्यालय जो है ना ये खोला है। सभी कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ करके इसका आज शुभारंभ किया है और आज से जितनी भी चुनाव की गतिविधियाँ होंगी वो सारी इसी कार्यालय के माध्यम से संचालित तो होंगे। ये हमारे पास जो है ना कई प्रकार की सूचनाएं आज तो मौजूदा कई विधायक भी जो है ना वो पार्टी से संपर्क कर रहे हैं। दूसरी पार्टी के बड़े नेता जो कई कभी मंत्री रहे हैं वो भी संपर्क कर रहे हैं और बहुत से दूसरी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो भी आज जो है ना संपर्क में हैं पार्टी के और उनके समय समय पर जो है ना ज्वाइनिंग की जाएगी और उनको पार्टी में ज्वाइनिंग करा करके जिम्मेवारियाँ दी जाएंगी और अपने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सबसे बड़ा संगठन तो हमारा बन ही गया लेकिन और ज़्यादा मजबूत संगठन बने इसके लिए प्रयास जारी है। देखिए JJP और जो आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, अगर मैं कहूँ 0+0 तो बराबर 0 ही होगा। दोनों पार्टियाँ चले कारतूस हैं, उनके पल्ले कुछ है नहीं, कोई उनकी विचारधारा नहीं है, कोई उनके विचार नहीं मिलते, तो ये इस प्रकार का गठबंधन है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। और प्रदेश की जनता, देश की जनता आज नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और एक एक वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, प्रत्याशी चाहे कोई भी खड़ा कर दिया लेकिन वोट जो है ना नरेंद्र मोदी जी के नाम से है, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर वोट डलेगी। तो इस प्रकार का देश की जनता ने मन बनाया।